जिस शायर को आवाज देने जा रहा हूं वो शायर बड़ा अजीब, हिंदुस्तान में ऐसा शायर पैदा ही नहीं हुआ आजादी के बाद से। बस शेर पहले समाप्त कर लें आप लोग, फिर बाद में शेर दिखाऊंगा। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, जिनके लिए खुद काबा झुका हो सोच मोहम्मद कैसे है, जिनके लिए खुद काबा झुका हो सोच मोहम्मद कैसे है। चांद से जब तक चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे है, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे है। मर्जी अरब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला, मर्जी अरब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला, सोच से जिनके किबला बदले सोच मोहम्मद कैसे है, सोच से जिनके किबला बदले सोच मोहम्मद कैसे है। आपकी जमीन पर ये शेर कहा गया था 10 रबीउल अव्वल को, पिछले साल खतीब ने शेर कहा था। अब तकरीबन 20-25 शोरा किराम ने इस मौजू को लेकर शायरी की थी। एक शेर मैंने भी कहा था, कहने की कोशिश की थी, कह नहीं पाया, मगर कुछ ना कुछ हो गया। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, जिनके लिए खुद काबा झुका हो सोच मोहम्मद कैसे है। अपने जैसा सोच रहे हो, इतना घटिया सोच रहे हो, कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। अपने जैसा सोच रहे हो, इतना घटिया सोच रहे हो, अकल का अपने खोल दरीचा सोच मोहम्मद कैसे है। सोच मोहम्मद ऐसा शायर, आप परेशानी में हो तो उससे मुलाकात करें, आपकी परेशानी आसानी में बदल जाएगी। नबी की नात जब पढ़ता है सलीके से नबी की नात पढ़ता है, दूर दराज इलाकों में शम्सुल हुदा को इज्जत की निगाह से देखा है। ये तो हमारे दोस्त हैं, इतना बड़ा दिल है कि हम जैसे कमीनों के लिए कब्रिस्तान बनाए हुए जिसमें हमारी बातों को दफन कर दिया करते हैं। आइए शायर सलाम जनाब शम्सुल हुदा का इस्तकबाल कर लिया जाए, ताकि वो जो पिछली बातें हैं वो दफन हो जाए और नारे तकबीर का कालीन बिछ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, नादिया मुशायरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हवा का रुख है किधर उसको जांचने के लिए, अब की शेर नहीं बोलूंगा आप भूलेंगे, सुभान अल्लाह कहने लग रहा है। हवा का रुख है किधर उसको जांचने के लिए, जमी की खाक हवा में उड़ा के देखते हैं। नबी की नात ये पढ़ते हैं झूम कर कैसर, अगर ये सच है तो इनको भुला के देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। झुककर दुरूद पढ़ हैं, اللهم صل على सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुना मौलाना मुहम्मदुन बारिकुल सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबरे पाक पे शुरा किराम तशरीफ रखते हैं और भी दीगर उलमाए किराम में सबकी दुआएं चाहता हूं। नकीब आजम हिंदुस्तान कैसर आजम साहब किबला, मैं सबको शामिल करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि नात के कुछ शेर आप तक पेश करूं, मोहब्बतों के साथ मुलाहिजा फरमा लें। सुभान अल्लाह, शाद भाई जिंदाबाद। लेकिन जरा वक्त ज्यादा हो चुका है, हमें मालूम है कि आप जरा थके हैं। इतना बड़ा बड़ा हम लोग बजा लिए, 10-12 बजा लिए, एक दो बजाना है वो भी जल्दी बज जाए। बड़े बड़े बजा लिए, छोटा मोटा बजाना है। हजरत आपने जेके वो मीडिया वाले को आपने मधु किया है, एक किसका मैं चाहता हूँ एक बड़ा फायदा आप हजरत के जरिए लोगों तक पहुँचे। एक नात का मतलब पढ़ने जा रहा हूँ, अगर शेर आपको अच्छा लग जाए तो नात सुनना ये इबादत, नात पढ़ना इबादत, उस पे आप इनाम दे सकते हैं।
अगर अच्छी तादाद में आप हजरात हमसे मुसाफा करें इस ख्याल के साथ कि आज सिर्फ मोहम्मदाबाद के लोग आपको देख रहे हैं, कल इंशाल्लाह पूरी दुनिया देखेगी आपको। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तो एक अच्छा पैगाम लेकर के अगर पैसे आपके ना बचे हों तो खाली हाथ मुसाफा कर लें, ताकि ये एहसास हो सके कि लोगों के अंदर वो जज्बा है जो मदरसे के लिए इन लोगों ने। बस बड़ी तेजी के साथ नाक का मतलब पेश कर रहा हूँ, समाज फरमा ले। हजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, के हजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, काबे से आती है सदा, कि गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, अपनी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं चाहता हूं सारे लोग शरीक हो जाएं, नात का शेर पढ़ता हूं। आपने बारहा सुना होगा लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। मैं पढ़ना चाहता हूं, पढ़ सकता हूं? आप हमसे मुसाफा करेंगे? अगर आपने मुसाफा किया तो आपका फायदा होगा इंशाल्लाह। मैं नात का शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। कि कारवां हाजियों का घर देख कर, फिजाओं में लहराते हैं अपने हाथों को, कारवां हाजियों का घर देख कर, कारवां कारवां हाजियों का घर देख कर, कारवां हाजियों का अगर देख कर अश्क आंखों में आए तो मैं क्या करूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। के कारवां हाजियों का अगर देख कर अश्क आंखों में आए तो मैं क्या करूं, कारवां हाजियों का अगर देख कर अश्क आंखों में आए तो मैं क्या करूं, के कारवां हाजियों का अगर देख कर अश्क आंखों में आए तो मैं क्या करूं, अश्क आंखों में आए तो मैं क्या करूं, कि ख्वाहिशे दीद तैबा तो मुद्दत से है, ख्वाहिशे दीद तैबा तो मुद्दत से है, लेकिन किस्मत न जाए तो मैं क्या करूं, ख्वाहिशे दीद मुद्दत से है लेकिन किस्मत न जाए तो मैं क्या करूं। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पैसा आप लेके जा भी सकते हैं। कारवां हाजियों का घर देख कर अश्क आंखों में आए तो मैं क्या करूं। अब हजरात मैं पहला शेर आप तक हाजिर कर रहा हूं, समाप्त कर लें। एक बार पूरा मजमा मचल के कह दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। कि कारवां हाजियों का घर देख कर अश्क आंखों में आए तो मैं क्या करूं, अश्क आंखों में आए तो मैं क्या करूं। शेर हाजिर कर रहा हूं, समाप्त फरमा ले। एक आशिक रसूल का फैसला है, अगर आप आशिक हैं तो मैं समझता हूं फैसला आपका भी मेरे फैसले से मिलता जुलता होगा। मैं शेर पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाए। कि एक तरफ है एक तरफ उनका दर,
एक तरफ खुल्द है एक तरफ उनका दर, मैंने तैबा को जन्नत पे तरजीह दी। एक तरफ खुल्द है एक तरफ उनका दर, एक तरफ खुल्द है एक तरफ उनका दर, मैंने तैबा को जन्नत पे तरजीह दी। अपनी अपनी पसंद अपनी अपनी नजर, अपनी अपनी नजर अपनी अपनी पसंद, शेख जन्नत में जाए तो मैं क्या करूं। कारवां हाजियों का अगर देख कर अश्क आंखों में आए तो मैं क्या करूं। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। मक्ता आप तक पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमा ले। मक्ते का शेर मैं आप तक पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। कि कारवां हाजियों का अगर देख कर अश्क आंखों में आए तो मैं क्या करूं। है यही रोज शब शम्स मेरी दुआ, कुवे सरकार में मौत आए मुझे। है यही रोज शब शम्स मेरी दुआ, कुवे सरकार में मौत आए मुझे, कुवे सरकार में मौत आए मुझे। आपसे दूर रह कर मेरे मुस्तफा, आपसे दूर रह कर मेरे मुस्तफा, चैन मुझको ना आए तो मैं क्या करूं। कारवां हाजियों का अगर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाल्लाह। बहुत अच्छे भाई, सुभानअल्लाह। कारवां हाजियों का अगर देख कर अश्क आंखों में आए तो मैं क्या करूं। जिंदाबाद। झूम कर दूध पाक पढ़े रहमत सल्लेला सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैक या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा था और जरा सा हौसला पैदा करें, मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। मोहब्बतों के साथ समाअत फरमा ले। नात का मतलब पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं। कि दुनिया से मिटा ना जिक्र नबी, कहते सुभान अल्लाह। के दुनिया से मिटाना जिक्र नबी, दुनिया से मिटाना जिक्र नबी, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन। दुनिया से मिटाना जिक्र नबी, दुनिया से मिटाना जिक्र नबी, मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है। तमसीले चिरागे मुस्तफवी, तमसीले चिरागे मुस्तफवी, मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है। के तमसीले चिरागे मुस्तफवी, तफवी, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कि सरकार का जो दीवाना है, सरकार का जो दीवाना है, जो प्यारे नबी से करता है, सरकार का जो दीवाना है, जो प्यारे नबी से करता है। अरे पहने वो जहन्नम की बेड़ी, पहने वो जहन्नम की बेड़ी, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दुनिया से मिटाना जिक्र नबी, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
मुश्किल ही नहीं। एक शेर पढ़ता हूँ, समाप्त कर लें। आमदे रसूल को निगाहों के सामने रखें। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, कसम खुदा की मैं इस ख्याल के साथ ये शेर पढ़ता हूँ कि ये इल्मी सरजमीन है, यहाँ के लोग इस शेर की इज्जत करेंगे इंशाल्लाह। मैं नात का वो शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं, पूरा मजमा एक बार मचल के कह दें सुभान अल्लाह। कि दुनिया से मिटाना जिक्र नबी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, के पेशानी ज़बीहुल्लाह की है, पेशानी ज़बीहुल्लाह की है और नूर रसूलुल्लाह का है, के पेशानी ज़बीहुल्लाह की है और नूर रसूलुल्लाह का है। अरे फिर उसके गले को काटे छुरी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, फिर उसके गले को मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत सलीके से जम किया गया भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अगर इजाजत दे तो दोबारा ये शेर पढ़ूंगा, बहुत ही कीमती शेर पढ़ता हूँ, समाप्त कर लें। कि पेशानी ज़बीहुल्लाह की है और नूर रसूलुल्लाह का है, कि पेशानी ज़बीहुल्लाह की है और नूर रसूलुल्लाह का है, फिर उसके गले को काट छुरी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, कि फिर उसके गले को काट छुरी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और साथ एक और शेर में नकीब आजम हिंदुस्तान तशरीफ रखते हैं, मैं इनके हवाले से आप तक एक शेर और पढ़ता हूँ, समाप्त फरमा लें। कि दुनिया से मिटाना जिक्र नबी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, कि मुंह मोड़ के मेरे आका से अरे जन्नत की सनद पा जाए कोई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, दुनिया से मिटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, के दुनिया से मिटाना जिक्र नबी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शेर है मगर एक शेर और मैं आप तक पेश कर रहा हूँ, जिस कमेटी ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, मैं एक पैगाम आप तक पेश कर रहा हूँ, समाप्त कर ले, पूरा मजमा एक बार कह दे सुभान अल्लाह। के दुनिया से मिटाना जिक्र नबी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, कि हर वक्त जहाँ के लोग नबी बज्म सजाया करते हैं, उस गांव में आए बर्बादी, उस गांव में आए बर्बादी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, कि दुनिया से मिटाना जिक्र नबी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिंदाबाद जिंदाबाद, के दुनिया से मिटाना जिक्र नबी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और आशिकों का मजमा है, एक शेर मैं अहले स्टेज स्टेज के हवाले से आप तक पेश कर रहा हूँ इंशाल्लाह, मैं इस ख्याल के साथ कि सारे लोग अपने लबों पे सुभान अल्लाह सजा लें, मैं वो कीमती शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ, समाअत फरमाएं। कि दुनिया से मिटाना जिक्र नबी
मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कि जब कब्र में अपने आते हैं तो फिर कब्र अंधेरी हो मेरी, फिर कब्र अंधेरी हो मेरी, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है दुनिया से मिटाना जिक्र नबी, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। या रसूल अल्लाह। मुंतजमीन जलसा जो हैं, मैं उनकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूं और इस ख्याल के साथ ये शेर पढ़ता हूं कि इंशाल्लाह वो लोग मुझसे मुसाफा के लिए जरूर आएंगे। मैं एक शेर पढ़ता हूं, मोहब्बतों के साथ समाप्त कर लें। अगर मैंने आपके मुआफिक बात कह दी है तो मैं चाहता हूं हर शख्स उस शेर का इस्तकबाल करे। पूरा मजमा एक बार कह दे, सुभानअल्लाह। के दुनिया से मिटाना जिक्र नबी, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कि जिस घर में हमेशा सुबह मसा, कि जिस घर में हमेशा सुबह मसा कुरान की तिलावत होती है, उस घर में मुसीबत आए कोई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है दुनिया से मिटाना जिक्र नबी, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चलते चलाते मक्ते का शेर मैं आप तक पेश कर रहा हूँ, समाज फरमा ले कि दुनिया से मिटाना जिक्र नबी, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कि वो खत्म नबूवत बन के शफी, वो खत्म नबूवत बन के शफी तशरीफ जहां में लाए हैं, कि वो खत्म नबूवत बन के शफी तशरीफ जहां में लाए हैं, वो खत्म नबूवत बन के शफी तशरीफ जहां में लाए हैं, अब आए जहां में कोई नबी मुश्किल ही नहीं नाम। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। तजल्लियों के तलबगार नात पढ़ने लगे, गुलामे अहमद मुख्तार नात पढ़ने लगे, अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न किसका है, अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न किसका है, तमाम मिस्र का बाजार नात पढ़ने लगे। फिर उसके बाद लहद में सवालो जवाब क्या होगा, फिर उसके बाद सवालो जवाब क्या होगा, अगर ये जान ले फिर उसके बाद सवालो जवाब क्या होगा, अगर लहद में गुनहगार नात पढ़ने लगे, अगर लहद में गुनहगार नात पढ़ने लगे। जनाबे शमसुल हुदा साहब हमेशा अच्छा पढ़ते हैं और सलीके से पढ़ते हैं, आज भी आपके दिल दिमाग पर बम बारूद के जरिए से नहीं नबी के नात के जरिए से फिर हुकूमत किया है। मुबारकबाद के काबिल है आप लोग,